सभी इंसानों का कुछ ना कुछ लकी चार्म जरूर होता है, चाहे फिर वो कोई इंसान हो या फिर कोई वस्तु। वहीं अगर बात राजनेताओं की करें तो सभी का कुछ ना कुछ लकी चार्म जरूर है। जैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जैसे कि वे जब भी अमेठी जाते हैं तो अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी का कुर्ता ही पहनकर जाते हैं। वहीं प्रियंका वाड्रा अपनी दादी इंदिरा गांधी की साड़ी में ही अमेठी जाती है। ऐसे में ऐसे कई राजनेता है जो अपना अपना लकी चार्म कभी नहीं भूलते। वैसे ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का लकी चार्म है उनके लकी मैन का पैन, जिसे वो हर बार नामांकन भरती है। चले जानते हैं आखिर कौन है पूर्व मुख्यमंत्री का लकी मैन और लकी पैन। दरअसल चुनाव नजदीक आने के साथ ही नामांकन भरने की सरगर्मियां तेज हो गई। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही अब नेताओं के नामांकन भरने का सिलसिला शुरू होने वाला है। इसी को लेकर पिछले काफी सालों से वसुंधरा राजे का पैन सुर्खियों में रहा, जिससे वे नामांकन भर जीत दर्ज करती रही है। नामांकन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की तैयारियां सामने आने लगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 4 नवंबर को अपनी विधानसभा सीट जालरा पाटन से नामांकन भरने की बात सामने आ रही है। इसी बीच वसुंधरा राजे के लकी पैन की चर्चाएं भी तेज हो गई है, जिससे वह नामांकन भरने के बाद जीत दर्ज करती है। राज्य के नामांकन भरने की तिथि आने के बाद अब सियासत में हलचल पैदा हो गई है। वहीं झालरापाटन विधानसभा सीट से नामांकन भर रही वसुंधरा राजे के समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे 4 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसको लेकर अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं ने कवायद शुरू कर दी। माना जा रहा है कि राजे की नामांकन रैली में काफी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ सकती है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे झालरापाटन विधानसभा सीट से पिछले 20 सालों से लगातार विधायक रही है। उन्हें अभी तक किसी ने पराजित नहीं किया। इस दौरान वसुंधरा राजे हर बार नामांकन भरने के दौरान अपने साथ लकी मैन को भी साथ रखती है। यह लकी मैन पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन है और वसुंधरा ने अब तक हर बार नामांकन भरने के दौरान शहनवाज हुसैन को अपने साथ रखा है और उन्हीं के पैन से वो साइन करती आई है। वसुंधरा हुसैन को अपना लकी मैन मानती है। पहली बार नामांकन भरने के दौरान भी हुसैन वसुंधरा के साथ थे और राजे ने हुसैन के पैन से ही नामांकन भरा। इसके बाद वह चुनाव जीती और राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद भी उन्होंने संभाला। हुसैन के पैन को वसुंधरा अपने लिए काफी लकी मानती है। तब से वसुंधरा राजे यही कर्म दोहरा रही है। इस बार भी यह चर्चा है कि लकी मैन के रूप में हुसैन और उनका पैन वसुंधरा के साथ होगा। बीजेपी की कद्दावर नेता और दो बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे का अपनी विधानसभा सीट पर व्यापक प्रभाव है। इसके कारण अब तक वसुंधरा 20 वर्षों से लगातार यहां से चुनाव जीतती आ रही है। यह वसुंधरा राज्य का गढ़ भी माना जाता है। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य का मुकाबला कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह से हुआ था। इसमें उन्होंने 34,980 मतों से मानवेंद्र सिंह को शिकस्त दी। इस दौरान वसुंधरा राजे के खाते में 1,16,484 वोट आए। वहीं बता दें कि वसुंधरा नामांकन भरने से पहले झालावाड़ शहर के वन क्षेत्र में स्थित राड़ी के बालाजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद ही निकलती है, जहां वसुंधरा राजे की तरफ से अखंड ज्योत जलाई जा रही है। इस मंदिर के दर्शन को भी वसुंधरा अपने लिए लकी मानती है। झालरा पाटन से वसुंधरा राजे 20 सालों से जीतती आ रही है। 20 सालों में यहां कोई उन्हें मात नहीं दे पाया। वसुंधरा राजे शहनवाज हुसैन के पैन को अपने लिए लकी मानती है और वसुंधरा राजे हमेशा से ही उनके पैन से नामांकन भरती आई है और जीतती आई। अब देखना ये होगा कि क्या ये पैन वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने में अपना चार्म दिखा पाता है या नहीं। क्या ये लकी पैन वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना पाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 30 अक्टूबर को अपनी विधानसभा सीट सरदार शहर से नामांकन भरेंगे। इसी तरह सचिन पायलट ने भी अपनी नामांकन भरने की तारीख घोषित कर दी है। पायलट भी गहलोत के एक दिन बाद यानी 31 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।